हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। व्हाट ए इंटरेस्टिंग डे। गैप अप खुलने के बाद कंटिन्यूसली ऊपर गया। इसके लिए ही मैंने कल आपको बताया था कि नहीं, मार्केट थोड़ा सा बुलिश से अनएक्सपेक्टेड सेलिंग रहा। बुलिश के तरफ प्लान था, लेकिन मार्केट स्लो एंड स्टडी जैसे प्राइस एक्शन बनाया, फिर मार्केट नीचे की तरफ आता रहा। अभी करेंट लेवल पर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे ट्रेड कहाँ पर कर सकते हैं, सो दैट विल गेट एन आइडिया। एक पॉइंट ध्यान में रखो, ऑलरेडी ट्रेंड जा चुका है, लेकिन आपको स्टिल एंट्री मिलेगा, क्योंकि अगर मार्केट 400 पॉइंट 500 पॉइंट डायरेक्शनल जा चुका है, तो सर वेरी है कि नहीं इसी डायरेक्शन में मूव करे। एंड हम लोगों का समय अराउंड राउंड लेवल जो होता है 40,900, अभी राउंड लेवल के आसपास वेट कर रहा है 800 एंड 41,000, ये सारे लेवल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखेंगे किस तरीके से ये प्राइस बिल्ड हो रहा है। 800 के ऊपर ये सर्वाइव थोड़ा सा नहीं कर रहा है, तो हम लोग स्कैल्प कुछ करेंगे, उसके बाद फिर डायरेक्शनल ट्रेड लेंगे। एक सेलिंग के साइड स्कैल्प करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग को अगर कुछ डायरेक्शन मिल रहा होगा तभी हम लोग प्लान करेंगे। देखिए अभी स्कैल्प कहाँ पे कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट अगर आप लोग देखोगे, जितने लोग एग्रेसिव ट्रेड करते हैं या फिर ट्रेल करते हैं, पकड़ लो कोई यहाँ पे बाई किया होगा, करेक्ट। तो मार्केट जिस तरीके से ऊपर जा रहा होगा, राइट, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। दैट मीन्स कहीं पर भी अगर आप देखोगे 5 मिनट कैंडल पे, कहीं पर भी प्रीवियस का कैंडल ब्रेक नहीं हुआ है, करेक्ट। आप देख रहे हो ब्रेक नहीं हुआ है, दैट मीन्स ये ब्रेक करते ही साथ एक मोमेंटम हम लोग को मिलेगा। एंड वो मोमेंटम में हम लोगों को हो सकता है कि नहीं 10 रुपये मिले, 15 रुपए मिले, एक एक स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अगर आप यहां पे एग्जांपल देखोगे, यहां पे कंटिन्यू सेलिंग के लिए आ रहा था, जब ये ब्रेकआउट दिया आपको एक स्कैल्प का अपॉर्चुनिटी मिला, यहां पे 30-40 रुपए 50 रुपए यहां पे मिले होंगे। लेकिन एक और पॉइंट यहां पे लिख लेना, अगर आप इसको प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर कि नहीं आप फर्स्ट 1 आवर के अंदर करना, दिन भर ये मत नहीं कर सकते कि नहीं हाँ दिन भर आपने बाई किया दिन भर सेल किया। यहां पर अगर देख रहे हो कि एक ही इशू था स्टॉप लॉस का, नहीं तो अदरवाइज यहां पे जब ये ब्रेक किया, दिस इज स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी, यहां पे एक ब्रेक करते ही साथ ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आया। लेकिन ओके, हर एक ट्रेड आपको लेना जरूरी नहीं है, लेकिन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कहां पे आप सेल कर सकते हो। और एक पॉइंट मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि स्कैल्पिंग अगर आप कर रहे हो तो 1 आवर के अंदर ही प्लान करना, क्योंकि वहां पर वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है। आपको तो समझाते समझाते आप देख रहे हो किस तरीके से ये ब्रेक डाउन हुआ नीचे की तरफ। अब अगर यहाँ पे देखोगे, एक हम लोगों को नेगेटिव कैंडल मिला, यहाँ से एक स्कैल्प अपॉर्चुनिटी मिला था, अब ये फिर से ब्रेक कर रहा है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे हम लोग परचेस कर रहे हैं, इमेजिन करो अगर हम बाय करेंगे तो 20 रुपीज़ का एसएल रहेगा और टारगेट हम लोग का 41,000 के आसपास होना चाहिए। चलिए हम लोग इसको होल्ड करके रखेंगे। हम लोग स्कैल्प तो सोचे थे, लेकिन जिस तरीके से मार्केट दिख रहा है कंटिन्यूसली जा रहा है, हम लोग इसको होल्ड करके रखेंगे। ओके, तो हम लोग का स्टॉप लॉस क्या प्लान होना चाहिए। स्टॉप लॉस समय अराउंड हम लोगों का इसी लेवल के आसपास रहेगा, इस कैंडल के नीचे समय अराउंड 250 और 273 में खरीदे हैं, तो 20-25 रुपये का यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट चलिए हम लोग मिनिमम 1:1 का रखेंगे या फिर 1:2 मिनिमम यहाँ से रखेंगे, तो 300 या फिर 325 इस तरीके का हम लोगों का टारगेट रहेगा। इसके पीछे का रीजन अगर आप लोग देखोगे, मार्केट स्ट्रेट मूव किया है, पॉज लिया है और यहाँ से बाइंग के लिए जा रहा है। एक पॉइंट मैंने आपको एक दो दिन से बता रहा हूँ कि नहीं ये लेवल को जल्दी छोड़ के जाना चाहिए बायर। कल के दिन हम लोग एक्सपेक्ट किए थे बायर ये लेवल छोड़ के निकल जाएंगे, लेकिन वो कल नहीं हुआ, वो आज दिख रहा है होते हुए। एंड मार्केट हमेशा ट्राई करेगा कि नहीं राउंड लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने के लिए। जैसे यहाँ पे फिन निफ्टी 18,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी 40,800, ये ट्राई करेगा कि नहीं चलो 41,000 टच कर जाए। और यहाँ पे एक सेलिंग का प्रेशर आया था, ये क्यों आया था, एक ही पॉइंट था कि नहीं कंटिन्यूस 3-4 कैंडल ग्रीन बन गया, उसके बाद थोड़ा सा पॉज लिया, अभी ये कंटिन्यूली जा सकता है। और यहाँ से अगर हम लोग को 100-150 पॉइंट मिलता है, वेल एंड गुड, हम लोग इसको थोड़ा सा वेट करेंगे और कुछ अगर ट्रेड दिखता है तो मैं आपको अपडेट करूँगा। तो यहाँ पे हम लोगों को डिजायर प्रॉफिट मिल रहा है, जिस तरीके से 1:1 एटलीस्ट हम लोग को मिल रहा है। हम लोगों ने परचेस यहाँ पे किया था, स्टॉप लॉस यहाँ पे है, तो 20,000 हम लोग का 1:1 मिनिमम मिल चुका है। लेकिन मेरा थोड़ा टारगेट स्पॉट के ऊपर है कि नहीं एटलीस्ट 900 या 950 इस तरीके का लेवल अगर पहुँचता है, वेल एंड गुड। और जैसे मैंने बोला था कि नहीं स्कैल्प नहीं रहेगा, थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ जा सकता है। मैं दूसरे स्टॉक्स ढूंढ रहा हूँ, अगर और कुछ अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं तो हम लोग वहाँ पर प्लान कर सकते हैं। लेकिन आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, वो किस तरीके से राउंड लेवल्स काम करता है और किस तरीके से अगर इंपॉर्टेंट लेवल पर मार्केट रुका हुआ है, पहले सेलिंग के लिए आया, पहले सेलर ट्रैप हुए, उसके बाद गैप अप खुल गया। गैप अप खुलने के बाद जितने लोग सेल किए होंगे उन लोग अपना पोजीशन होल्ड कर गए होंगे, ये सोच करके नहीं हाँ रिवर्स आ जाएगा, इतना बड़ा गैप अप है सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फिर मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा पुल बैक दिया, ये पुल बैक के लिए हम लोग वेट किए थे। एक स्कैल्प हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नहीं हाँ यहाँ से अगर ये ब्रेक डाउन होता है नीचे की तरफ, क्योंकि कंटिन्यूसली ये सस्टेन कर रहा था, अगर ब्रेक डाउन होता है एक स्कैल्प मिलेगा, दिस द स्कैल्प। लेकिन हम लोग ट्रेंड
कंटिन्यूशन में ट्रेड करेंगे, ये पॉइंट हम लोग डिस्कस किए थे, और ये जब भी ऊपर की तरफ गया यहाँ पे हम लोगों ने समय अराउंड इसी लेवल के आसपास कंटिन्यूशन के लिए बाय किया, एंड 1:1 हम लोग को मिनिमम अभी मिल रहा है। हम दूसरे स्टॉक्स भी देखेंगे, आई होप ये लर्निंग पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। इट द लाइक बटन, आने वाले टाइम में मैं इस तरीके से और वीडियो बनाऊंगा, सो दैट क्या होगा आपको लाइव मार्केट के ऊपर समझ में आए। मैंने इनफ लाइव ट्रेडिंग क्लासेस किया है आप लोगों के साथ, तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से एक ट्रेडर सोचता है या फिर आप लोग सोच सकते हो वाइल ट्रेडिंग। तो अभी हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हमको बस वेट करना है। अगर ये फ्लो में निकल जाता है वेल एंड गुड, अगर एसएल हिट करता है वेल एंड गुड, हम दूसरे ट्रेड ढूंढते हैं कि नहीं कुछ ट्रेड 1 घंटे के अंदर हमको मे भी हो सकता है कि नहीं और कुछ ट्रेड मिले, मैं वो चेक कर रहा हूँ स्टॉक्स के अंदर। अभी अगर हम लोग देखेंगे एक्सिस बैंक बहुत ही अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है, ये ब्रेकआउट होते ही साथ हम लोग बाय कर सकते हैं, इनफैक्ट करेंट लेवल पर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम लोग का 1 से 2 रुपये होना चाहिए, उससे ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है। लेट मी ओपन मैं फ्यूचर इसका लगा लेता हूँ जल्दी से, 1 सेकेंड। एक्सिस बैंक AXIS, एक्सिस बैंक का हम लोग फ्यूचर यहाँ पर लगा लिए हैं समय अराउंड इसका। अच्छा बोलते ही साथ ये निकल गया, फाइन नो इशू। यही होता है, अगर आप रेडी हो सारे चीज़ें देखने के लिए आपको ट्रेड्स मिलेंगे, लेकिन यू हैव टू बी रेडी। ओके तो चलो थोड़ा सा लेट हम लोगों ने किया एंट्री, बट फाइन। हम लोगों का डिजायर एंट्री था समय अराउंड इस लेवल पे 30, 40 या 50 रुपये कम, मतलब कम में मिलता हम लोगों को, और हम लोगों का स्टॉप लॉस समय अराउंड 2 रुपये का, यहाँ पे 47, 49.50, यहाँ पे 2 से 2.5 रुपये का एसएल हो जाएगा, और टारगेट हम लोगों का यहाँ से 58, 60, थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा 55, चलो 844, 855, 857 इस तरीके का लेवल, या फिर 1:2, 2 से 4 रुपये अगर मिल जाता है हम लोग, क्योंकि थोड़ा सा लेट भी किए हैं हम लोग, थोड़ा सा वेट करते हैं। ये हम लोग को डिजायर प्रॉफिट दे चुका है, अभी 2 ट्रेड चल रहा है, हम लोग अभी वेट करेंगे। ये बहुत ही अच्छा एक टर्न अराउंड हुआ है, और प्रीवियस टाइम स्विंग समय अराउंड 852, तो पहला टारगेट हम लोग का 852 तो मिनिमम होना चाहिए, और यहाँ पे अगर वेट करके क्रॉस करता है तो हम लोग और ज़्यादा टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। लेट्स सी कहाँ पे और मिलता है। आई गेस अभी आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मार्केट हम लोग 800 था, तो हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक ट्रेंड कंटिन्यूशन में जा सकता है, एंड 900, 950 मिनिमम टारगेट होना चाहिए। उस हिसाब से हम लोग को 1:2 भी यहाँ पे मिल चुका है, विच इज़ अ वेरी गुड। और यहाँ पे समय अराउंड अगर एक्सिस बैंक देखेंगे 152 पहला टारगेट था, और उसी के आसपास ओवर कर रहा है, समय अराउंड 400, 500 रुपये मिल रहा है उसके अंदर। स्टिल हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, बैंक निफ्टी 950 तक मैंने एक्सपेक्ट किया है इसको आने के लिए, एंड अगर ये मोमेंटम में आ जाता है वेल एंड गुड, या फिर थोड़ा सा यहाँ पे वॉलेटाइल क्रिएट कर सकता है, क्योंकि कंटिन्यूस मोमेंटम में जा चुका है, हो सकता है कि नहीं एक राउंड लेवल के आसपास, जैसे 900 है या फिर 950 इसी लेवल के आसपास कहीं पे, क्योंकि सेलर भी वेट कर रहे होंगे कम राउंड लेवल मिलेगा हम लोग सेल करेंगे, तो उस हिसाब से देखेंगे 41,000 के आसपास हम लोग इसको। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग बुक कर ही लेते हैं प्रॉफिट। दो कंडीशन होता है, अगर आप दिन भर होल्ड करने वाले हो तो कम, मतलब कम 900 क्वांटिटी है, चलो 600 या 700 क्वांटिटी बुक कर लेता हूँ, बाकी रेस्ट क्वांटिटी लेट इट गो। या फिर अगर आपको 1:2 मिल ही चुका है और फ्राइडे है आज के दिन, क्योंकि फ्राइडे के दिन ऑप्शन बाइंग बहुत सारे लोग प्रीफर नहीं करते हैं, लेकिन आज तो मार्केट कंडीशन के लिए ट्रेंड बहुत स्ट्रांग था, रिवर्सल था, कोई ना कोई ट्रैप हुआ है, अगर कोई ट्रैप हुआ है तो वहाँ मोमेंटम हो सकता है। मॉर्निंग से डिस्कशन कर रहे हैं, कल भी इसी पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर रहा था कि नहीं मार्केट फ्लो में जा सकता है, करेक्ट। तो हम लोगों को एक काम करते हैं, एक ट्रेड यहाँ पे बुक कर लेते हैं, इसका एसएल हम लोगों को पेंडिंग है समय अराउंड 900, 950, इसने हाई लगाया था 920 के आसपास, मैं एक्सपेक्ट किया था 950 के आसपास जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, इसके नीचे अगर आएगा तो हम लोग निकाल देंगे, ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे। द रीज़न हो चुका है, एटलीस्ट यू विल गेट एन आइडिया कि नहीं, जो आपका डिजायर प्रॉफिट अगर मिल जाता है बेटर है बंद कर दीजिए। और 40,000 मिला, कितना कैपिटल यूज हुआ होगा, हार्डली 2.5 या 2.6 का कैपिटल यूज हुआ होगा, और उसमें से 40 अगर मिल चुका है तो इसको घर आने दो, उसके बाद कल आके फिर 5,000, 10,000 फिर रिस्क लेके हम लोग ट्रेड करेंगे, सो दैट कि नहीं अगर लॉस होता है वेल एंड गुड, अगर प्रॉफिट होता है तो ये एड ऑन हो जाएगा। और इतना प्रॉफिट मिलने के बाद 1:2, मतलब ऑलमोस्ट आपको 40, 50 या 100 रुपए मिलने के बाद, बेटर है ट्रेडिंग बंद करने का, सेकंड डे फिर हम लोग ट्रेड करेंगे, सो दैट क्या होगा आप एवरी मार्केट को समझ पाओ। आज क्या होगा, अगर आज ट्रेड लेंगे यहां पे, हो सकता है कि नहीं आज ये 450, 400 भी चला जाए ऊपर की तरफ, ये समय अराउंड 852 आ चुका है ऑलमोस्ट, देखते हैं हम लोग का एक्सिस का क्या चल रहा है, 1,700 रुपये के आसपास वहाँ प्रॉफिट चल रहा है, यहाँ पे हम लोग बुक करने के लिए वेट कर रहे हैं, तो मैं बस देख रहा हूँ। तो जो मैं बोला था, बस साइकोलॉजी के हिसाब से ट्रेड करो, अगर प्रॉफिट अच्छे से मिला है तो बेटर है पहले प्रॉफिट ले लो, जल्दी प्रॉफिट मिला है फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर इजीली ट्रेड कर सकते हैं, और जितना प्रॉफिट मिला है उसके ऊपर रिस्क लेके। समय अराउंड 40,000 यहाँ पे 1:2 हम लोग को मिल चुका है, थोड़ा सा मैं बस देख रहा हूँ ये कैंडल में अगर और कुछ मूव कर रहा है तो मैं होल्ड करूँगा, अदरवाइज मैक्सिमम प्रॉफिट तो मिल ही चुका है।
तो चलो मैं इसको 33,000 के आसपास कहीं पे निकाला ये वाला कॉल, विच इज़ वेरी फाइन। इसको हम लोग होल्ड करेंगे, एक्सिस बैंक को होल्ड करेंगे। इसके पीछे का रीज़न ज़्यादा कुछ स्टॉप लॉस है नहीं, अभी स्टॉप लॉस में ट्रेल कर लूँगा 851, 853, तो थोड़ा सा हम लोग 851.50 के आसपास रखेंगे। 2 रुपये से ज़्यादा एसएल नहीं रखेंगे, समय अराउंड इसी लेवल के आसपास एसएल रखेंगे और इसको थोड़ा सा होल्ड करेंगे, क्योंकि अभी ये ब्रेकआउट हुआ है, इस तरीके से वेट किया और ब्रेकआउट हुआ है तो चांसेस आर वेरी हाई कि नहीं ये थोड़ा सा मोमेंटम कर सकता है। हो सकता है थोड़ा सा लेट हो, लेकिन ये एक मोमेंटम कर सकता है। यहाँ पे हम लोग को अच्छा ट्रेड मिला, समय अराउंड जब हम लोगों ने देखे थे तब एक कंटिन्यूशन में एक स्कैल्प का ट्रेड मिला। चलिए मैं आपको और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, सो दैट विल गेट एन आइडिया। एंड 1 घंटे के आसपास हो भी चुका है तो हम लोग और ज़्यादा ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करेंगे अभी। मोमेंटम मिल चुका है, मॉर्निंग आवर का मोमेंटम हम लोग अच्छे से कैप्चर किए। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, करेक्ट, एक स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बताया था। मॉर्निंग आवर के अंदर अगर 4-5 कैंडल कंटिन्यूसली जा रहा है, उसका प्रीवियस आप बस पीछे फॉलो करते रहो, जब ब्रेक करेगा आपको एक स्कैल्पिंग मिलेगा। स्कैल्पिंग डजेंट मीन दैट कि नहीं 1:2, 1:3, हो सकता है 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये मिले। यहाँ पर अगर कोई शॉर्ट किया होता, यहाँ तक ऑलमोस्ट 20-30 रुपये मिला, निकल गए। उसके बाद हम लोग कंटिन्यूशन के लिए प्लान किए थे, यहाँ से ये ऊपर गया, इट्स अ कंटिन्यूएशन, पॉज लिया, कंटिन्यूएशन, प्राइस एक्शन, पॉज किया, कंटिन्यूएशन। यहाँ पे हम लोगों ने बाई किया, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा और टारगेट हम लोगों का 1:2, एंड टारगेट नेचुरल टारगेट 40,900 से लेकर 950, ये मैंने आपको बताया था द रीजन, क्योंकि 900 से 41,000 ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे लोग सेल कर सकते हैं, और मॉर्निंग आवर से मूव कर चुका है और मार्केट में समय अराउंड इतना बड़ा गैप खुलने के बाद मूव किया है, तो थोड़ा सा ये ऊपर की मतलब इन द सेंस यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है, फिर प्राइस एक्शन बना के मे बी कंटिन्यू करे, करेक्ट। तो अगर आप लोग देखोगे प्रीवियस टाइम पे भी मॉर्निंग आवर के अंदर यहाँ पे कंटिन्यूस प्रेशर बना, यहां पे ब्रेकआउट दिया, स्कैल्पिंग करते बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता। अगर हम लोग और देखेंगे कंटिन्यूस मोमेंटम चाहिए, यहां पे कंटिन्यूस मोमेंटम है ही नहीं, तो कंटिन्यूस मोमेंटम जब भी आपको दिखेगा कि नहीं 3-4 कैंडल मॉर्निंग आवर के अंदर अगर कंटिन्यूस मूव किया, इन दिस केस आप देख रहे हो 3-4 कैंडल कंटिन्यूसली यहां पे मूव किया, जब ये ब्रेक डाउन करता है आपको एक स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है। फ्रॉम ईयर टू ईयर ऑप्शन बाय अगर कर रहे हो बहुत अच्छा है। ये थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया है ऊपर की तरफ और थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है, वेल एंड गुड, जिस तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं 940 या 50 के आसपास आई थिंक ये जा रहा है, बट आई गेस आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से ट्रेड करते हैं। एक्सिस बैंक मैंने ढूंढा बहुत सारे स्टॉक और एक्सिस बैंक अच्छा लगा, हम लोगों ने बाय किया, अभी होल्ड किया है। 1852 हम लोग का पहला टारगेट था, उसके बाद अभी होल्ड कर रहे हैं। लेकिन ये स्कैल्पिंग के जो पॉइंट्स है ये थोड़ा ध्यान में रखना। ये देखो 3-4 कैंडल नीचे गिरे, जब ये ब्रेकआउट दिया फर्स्ट कैंडल आपको यहाँ से एक स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी मिला। ये कितना टाइम काम करेगा, सेम 75-80% टाइम काम करेगा, उससे ज़्यादा काम नहीं करता है। स्टॉप लॉस बहुत कम रहता है कि नहीं, इमेजिन करो 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, लेकिन बहुत अच्छे जल्दी से प्रॉफिट मिल जाता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट ध्यान में रख रहे हो अगर आप स्कैल्प कर रहे हो। मॉर्निंग 1 आवर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन, एंड अगर मॉर्निंग आवर पे आप अगर ट्रेड प्लान नहीं कर पा रहे हो तो बेटर है सेकेंड आपके अंदर स्लो एंड स्टडी प्लान करना, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया है। एक ट्रेड प्लान किया है, इधर ये एसएल हिट होगा या फिर मेरे जाकर टारगेट जाएगा, इस तरीके का ट्रेड प्लान करना। स्कैल्प मत कर लेना 10:30 से लेकर 12:30 के अंदर, अगर आप स्कैल्प कर रहे हो तो फंस सकते हो, आपका स्टॉप लॉस पहले हिट होगा फिर उसके बाद मोमेंटम आएगा। कल का दिन हुआ क्या, यहाँ पे दोनों साइड मूव कर रहा था, यहाँ पे भी आपको प्राइस एक्शन बिल्ड होते हुए दिखे, मार्केट नीचे गया, थोड़ा सा वेट किया, प्राइस एक्शन बना, फिर यहाँ पे आपको दिखा होगा प्राइस एक्शन बना। यहाँ पे अगर आप बाई करते यहाँ पे आपका एसएल हिट होता, अगर यहाँ पे आप सेल करते ये सोच के कि प्राइस एक्शन बिल्ड हो चुका है, समय अराउंड इस लेवल पे भी आपका एक एसएल हिट होता। दोनों ही केस के अंदर पहले एसएल हिट होता फिर 12:30 के बाद एक मोमेंटम किया उसके बाद, तो दैट मीन्स ये टाइम जोन जानना बहुत जरूरी है। 10:30 से लेकर 12:30 तक आप ट्रेड नहीं प्लान कर सकते। आई होप ये पॉइंट आप समझ में आ रहा होगा, एंड आने वाले टाइम में इस तरीके से वीडियो बनाते रहूँगा सो दैट कि आपको एटलीस्ट लाइव मार्केट के ऊपर किस तरीके से आप ट्रेड प्रैक्टिस कर सकते हो ये समझ में आ जाए। एंड स्कैल्पिंग वाला वीडियो और एक स्कैल्पिंग वाला वीडियो है जो आने वाले टाइम में बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, हिट द लाइक बटन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।